हेलो एवरीवन, एटीएम विशेष पर आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और आसान तरीके से भिंडी और प्याज की सब्जी। ये आप बहुत ही आसानी से, जल्दी से कभी भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। जब भी कम टाइम हो तो आप इसे बना सकते हैं। खाने में इसका टेस्ट बहुत ही चटपटा है, हल्की सी खटास है इसमें और बहुत ही आसानी से कम समय में ये बन करके तैयार हो जाती है। ये सूखी सब्जी आप लंच टाइम के लिए या फिर टिफिन के लिए बना सकते हैं। तो चलिए जल्दी से हम भिंडी प्याज की टेस्टी चटपटी सब्जी को बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर 300 ग्राम भिंडी ली है और इसे मैंने पानी से वॉश करके अच्छे से पोंछ करके सुखा दिया है। और फिर एक भिंडी के मैंने इस तरह से बीच में कट लगाया है, चीरा लगा करके 2 से 3 टुकड़े मैंने भिंडी के कट कर लिए हैं। भिंडी की साइज आप छोटी या बड़ी रख सकते हैं। अब कढ़ाई में भिंडी बनाने के लिए हम तेल गर्म करेंगे। तो इस भिंडी को हम सरसों के तेल में बनाएंगे, जिससे इसका स्वाद और फ्लेवर और भी ज़्यादा आएगा। तो सरसों का तेल पहले हम अच्छे से धुआं उठने तक गर्म करेंगे और फिर ठंडा करेंगे। तो 2 से 3 टेबलस्पून तेल को गर्म होने देंगे। इसके बाद इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून जीरा। जीरा जब फ्राई हो जाए तब इसमें हम डालेंगे 3 से 4 लहसुन की कलियां, जिसके कि मैंने टुकड़े कर लिए हैं, और थोड़ा सा इन्हें हम फ्राई कर लेंगे। अब जो भिंडी हमने तैयार करके कट करके रखी है वो हम इसमें डाल देंगे और भिंडी को हम इसमें 5 से 10 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई करेंगे, या तब तक जब तक कि हमारी जो भिंडी है अपना कलर थोड़ा सा चेंज ना करने लगे और ऑलमोस्ट ये आधी पक ना जाए, तब तक इसे हम फ्राई करेंगे। और बीच बीच में हम भिंडी में थोड़ा सा चम्मच चला देंगे ताकि सारी जो भिंडी है हर तरफ से अच्छे से फ्राई हो जाए। यहाँ पर जो भिंडी है ये अच्छे से फ्राई हो जाए, इसके लिए मैंने तेल थोड़ा सा ज़्यादा लिया है, लेकिन आप आपकी मर्जी के मुताबिक कम तेल में भी भिंडी को आराम से बना सकते हैं। अब जो भिंडी है ये हल्का हल्का सा अपना कलर चेंज करने लगी है और लगभग आधी ये पक चुकी है। तो अब इस टाइम पर इसमें हम मिलाएंगे प्याज। तो यहाँ पर क्योंकि भिंडी और प्याज की सब्जी बना रहे हैं तो मैंने ये 2 से 3 प्याज लिए हैं, जिसे मैंने इस तरह से स्लाइस करके इसमें डाला है। तो प्याज को भी इसमें हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 3 से 4 मिनट के लिए भी प्याज को हम भिंडी के साथ पकाएंगे। यहाँ पर प्याज को हमें बिल्कुल गलाना या सॉफ्ट करना नहीं है, इसे थोड़ा थोड़ा सा क्रंची ही रखेंगे। इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि पानी का इस्तेमाल कहीं पर भी नहीं करना है, नहीं तो जो भिंडी है ये लेस वाली बनेगी। तो अब 2 मिनट के बाद इसमें हम मिलाएंगे नमक स्वाद के अनुसार। तो मैंने 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम नमक मिलाया है इसमें। अब इसे फिर से अच्छे से मिला देंगे और थोड़ा सा इसे और भून लेंगे। यहाँ पर हम सभी मसाले एक साथ मिला लेंगे। तो मैंने इसमें ये 1 टीस्पून प्लस 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर डाला है, साथ ही 2 टीस्पून धनिया का पाउडर डाल रही हूँ। मिर्च आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रख सकते हैं। और 1/4 टीस्पून हल्दी का पाउडर डालेंगे। फिर मैंने ये ड्राई मैंगो पाउडर लिया है, यानी कि अमचूर का पाउडर लिया है, तो ये इसमें डालेंगे 1 टीस्पून, साथ ही 1 टीस्पून भुना हुआ जीरा का पाउडर डालेंगे। अब इन्हीं मसालों में हम दही मिलाएंगे, तो 1/4 कप या 1/2 कप दही मिला लेंगे। अगर दही खट्टी है तो 1/4 कप, और अगर कम खट्टी है, एकदम फ्रेश दही है, तो 1/2 कप दही मिला लेंगे और अच्छे से मसालों में इसे मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हम दही और मसालों का पेस्ट बना लेंगे, जिससे कि दही मसालों को भूनते टाइम पर फटेगी नहीं और हमारे जो मसाले हैं ये भी नहीं जलेंगे। इतनी देर में हमारी ये जो भिंडी और प्याज है ये भी काफ़ी अच्छे से फ्राई हो गए हैं। जो प्याज है ये क्रंची है लेकिन अच्छे से ये पक चुके हैं और भिंडी भी और ज़्यादा पक चुकी है। तो अब ये जो दही में हमने मसाले मिलाए हैं ये इसमें डाल देंगे और फ्लेम को अभी हम कम कर देंगे और इसके साथ अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। अब क्योंकि इसमें दही है तो दही फिर से गर्म ना हो जाए और इसमें हल्के हल्के से बबल्स आना ना शुरू हो जाए, तब तक इसे हम चम्मच से चलाते हुए पकाएंगे। अब सब्जी के स्वाद को और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून किचन किंग मसाला, या सब्जी मसाला डाल सकते हैं, और या फिर अगर आपके पास मैगी मसाला है तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर ये सब नहीं है तो फिर सिंपल सा 1 टीस्पून गर्म मसाला पाउडर इसमें मिला लेंगे। अब हम इसे 2 से 3 मिनट तक धीमी आंच पर ढककर पकाएंगे ताकि भिंडी और अच्छे से कुक हो जाए और मसाले भी अच्छे से पक जाए। तो 2 से 3 मिनट के बाद ये देखिए, हमारी जो भिंडी प्याज की टेस्टी चटपटी सब्जी है ये तैयार है और मसाले बहुत ही अच्छे से भून गए हैं, किनारों पर इसके काफ़ी अच्छे से तेल निकल आया है। तो
अब बस ये हमारी भिंडी तैयार है। आप चाहें तो इसे टेस्ट करके चेक कर सकते हैं कि भिंडी अच्छे से पकी है या नहीं पकी है। तो यहाँ पर भिंडी अच्छे से पक चुकी है, तो मैंने इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया है। एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बस ये तैयार हो गई हमारी टेस्टी चटपटी भिंडी प्याज की सब्जी। तो फ्लेम को कर देंगे बंद और जल्दी से गर्मा गर्म इसे रोटी के साथ, पराठे के साथ या फिर पूरी के साथ खाने के लिए सर्व करेंगे। इस तरह से ये हमारी खास तरह की भिंडी प्याज की सब्जी खाने के लिए तैयार है। तो आप भी इसे बनाइए, बहुत ही आसान है इसे बनाना, आपने देख ही लिया है, और झटपट से ये बन जाती है और एक वैरायटी हो जाती है खाने में। तो बनाइए इसे, खाइए, सबको बहुत पसंद आएगी ये। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल ETM Wishes को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और नई रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। हम नेक्स्ट रेसिपी के साथ जल्दी मिलते हैं। टिल देन एंजॉय दिस चटपटी भिंडी प्याज की सब्जी, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग ETM Wishes।